नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। चलिए अब केपी एक्सप्रेस कर्नाटक की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। हिजाब प्रदर्शनकारियों के लिए कक्षा 12वीं की दोबारा परीक्षा नहीं, कर्नाटक सरकार। वकील ने कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीशों को जान का खतरा बताया। अगले 5 दिनों में कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना। बोमे ने यूक्रेन से कर्नाटक के छात्र का शव वापस लाने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया। कर्नाटक में चिकित्सा शुल्क कम करने के उपायों पर विचार कर रही सरकार, बसवराज बोमे ने कहा। यूक्रेन में मारे गए छात्र का अंतिम संस्कार पैतृक गांव चालगेरिक में किया गया। यूक्रेन से पार्थिव शरीर लाने के लिए नवीन के परिवार ने सीएम बोमे को धन्यवाद दिया। पावागढ़ दुर्घटना पीड़ितों को इलाज का खर्च उठाने के लिए जूझना पड़ रहा। कितूर चन्नम्मा से प्रभावित होकर आरआरआर में दी श्रद्धांजलि, राजमौली ने कहा। थिएटर अभिनेता पर तेजाब हमले के आरोप में 3 गिरफ्तार। घाटी में काली नदी परियोजना की व्यापक आलोचना। कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने के भ्रम में बीजेपी, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक में भाजपा के दलितों ने नीति धारणा पर बैंकों तक पहुंच बनाई। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए सरकार का कर्तव्य, प्रहलाद जोशी ने कहा। अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने मंगलूर डीजीपी कमिश्नर को जारी किया नोटिस। विजेताओं को प्रदान किए गए विश्व पोंकड़ी पुरस्कार। भगवा झंडा किसी दिन राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले सकता है, आरएसएस नेता का कहना। उड़पी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत। मैं भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूं, शमनूर ने बताया। सीआरजेड के नक्शे को 2 महीने के भीतर मंजूरी मिल जाएगी, आनंद सिंह ने कहा। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।